एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर पॉलिटिकल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। सीआर द्वारा पीजी एवं पीएचडी का रैंक कार्ड रिलीज़ कर दिया गया है। स्कोर कार्ड रिलीज़ करने के काफ़ी दिनों बाद रैंक कार्ड रिलीज़ किया गया। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और काउंसलिंग प्रोसेस की प्रक्रिया स्टार्ट होनी है। अभी तक फ़िलहाल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है। उम्मीद है कि सभी लोगों ने अपना रैंक कार्ड देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो ऑफिशियल साइट पर जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें कोई भी कंफ्यूजन है, वो हमारा एग्रीकल्चर पॉलिटिकल का व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिलेगी। क्योंकि वीडियो आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वहाँ आपको तुरंत करंट अपडेट मिल जाता है। वीडियो भी आएगा, लेकिन वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिकल साइंस के सीट मैट्रिक्स की। क्योंकि आपने एग्ज़ाम दे दिया, रैंक कार्ड आ गया, आप चॉइस फिलिंग या रजिस्ट्रेशन करेंगे, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितनी सीटें हैं आपके सब्जेक्ट में और किन किन सीट्स पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं। यानी कि आपकी कॉलेज प्रेफरेंस क्या होने वाली है, जो आपके कॉलेज हैं उन कॉलेज में आपके सब्जेक्ट की कितनी सीट्स हैं, वो कॉलेज वो सब्जेक्ट ऑफ़र कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि कई बार स्टेट यूनिवर्सिटीज़ अपनी सीट ऑफ़र नहीं करती हैं, तो उन सभी बातों को हम समझेंगे। आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अगर आप नॉर्थ के हैं, आप साउथ के हैं, किस तरह का कॉलेज लेना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी प्रेफरेंस पर। तो आप उसे भी अभी से तैयार कर सकते हैं, ताकि रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के टाइम आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सीट मैट्रिक्स दी गई है, इसमें मेंशन नहीं है कि कौन सी कैटेगरी की कौन सी सीट है, तो वो मैं आपको समझा देती हूँ। जो पहला आपको रो दिख रहा है वो जनरल है, उसके बाद एससी, एसटी, ओबीसी, और उसके बाद जो ईडब्ल्यू है वो आ जाता है, उसके बाद टोटल, उसके बाद पीडब्ल्यूडी और यूपीएस की सीट्स हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हर स्लाइड में कि कौन सी सीट आपकी कौन से होने वाली है, रो के हिसाब से देख के। आप केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी है जो कि उदयपुर में है, राजस्थान में स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। वीडियो में मैं आपको हर सीट को पढ़ के नहीं बताऊंगी, वो आप खुद भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि इतनी रैंक है, क्या रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो अगर आपकी रैंक जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उसका 2x या 3x तक जा रहा है, तो आपको रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाना चाहिए। आपको सीट मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, आपको सीट मिल सकती है। लेकिन अगर आपके मार्क्स या आपकी रैंक उससे ज़्यादा आ रही है, तो आपको थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए। उसके दो पक्ष हो जाते हैं। पहला ये कि अगर आपको कहीं और से सीट मिल रही है किसी और एग्ज़ाम के थ्रू, तो आप ले लें और रजिस्ट्रेशन कराने से बचें। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, और इस दूसरी कैटेगरीज के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है रैंक। लेकिन अगर आपकी जो रैंक है वो ज़्यादा है और आपको कहीं से एडमिशन नहीं मिल रहा, तो आपको ज़रूर रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। क्योंकि मॉपअप तक कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं और दूसरी यूनिवर्सिटी में ले लेते हैं, तो आपको कोई ना कोई सीट ज़रूर मिल जाती है आपकी ज़्यादा रैंक पर भी। लेकिन अगर आपकी 2x, 3x तक भी आ रही है रैंक, तो रजिस्ट्रेशन अवश्य ही करवाएं, आपको कॉलेज मिल जाएगा। और आपको 4x तक जा रहा है, तो आपको मॉपअप तक कोई ना कोई कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा कॉलेज या आपकी पसंद का प्रेफरेंस का कॉलेज मिलेगा, ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ख़राब कॉलेज कोई ऐसा नहीं होता है। लेकिन प्रेफरेंस का कॉलेज आपको नहीं मिल पाता है अगर आपकी रैंक ज़्यादा हो। जैसे कि हम सॉयल साइंस के विषय में भी बात कर रहे हैं, तो सॉयल साइंस में उतनी सीटें नहीं हैं अगर हम प्लांट साइंस से कंपेयर करें। तो प्लांट साइंस में अगर आपकी रैंक ज़्यादा भी है, तो भी आपको कॉलेज मिल जाता है। सॉयल साइंस में नंबर ऑफ सीट्स कम हैं। तो इससे भी मैटर करता है कि आपको कौन सी सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, आपने देख लिया होगा। आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप अभी से लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको काउंसलिंग के वक्त ज़्यादा सोचना ना पड़े और आप टाइम पे चॉइस फिलिंग कर सकें। और आपको कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूँगी कि जवाब दे पाऊँ। धन्यवाद।